2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जो है वो नागपुर से कर रही है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। भारत जोड़ो मैदान में आयोजित इस रैली के लिए कांग्रेस का नारा भी चुनावी हुंकार से जुड़ा है। रैली की थीम है तैयार हम। तो नागपुर से कांग्रेस के लोकसभा अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है और तमाम दिग्गज उस पार्टी के यहां पर होने वाले। प्रियंका जी का नाम ईडी की चार्जशीट में आया है। कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह होना है, इसके लिए जबरदस्त तैयारी दिख रही है। लोकसभा अभियान की शुरुआत नागपुर से कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो लाखों कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के वहां जुड़ रहे हैं। दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता जो हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर आज वहां पर होगा। साहिल जोशी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या तैयारियां दिख रही हैं आज के लिए और नागपुर चुनने की कोई खास वजह? देखिए, नागपुर एक तरीके से भारत का सेंटर माना जाता है और इसके चलते भारत के मध्य से ये चुनावी प्रचार का ऐलान है तैयार हम, कांग्रेस शुरू करने की कोशिश कर रही है। तैयारी इस तरीके से है कि आज इस रैली के लिए भी जब कांग्रेस के नेता जाएंगे तो एक साथ बस में वहां पर वो सफर करेंगे, अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाएंगे। सारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज यहां पर पहुंचेंगे दोपहर तक, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री दोपहर तक यहां पर पहुंचेंगे और सब लोग साथ में जहां पर रैली होने जा रही है भारत जोड़ो मैदान में, वहां पर जाकर वो लोग पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात यह कि एआईसीसी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की घोषणा की है, उनकी पहली बैठक भी वो नागपुर में करने जा रहे हैं। इस रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उन जनरल सेक्रेटरी से मिलेंगे। हालांकि अब तक प्रियंका गांधी को कोई स्टेट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल होंगी और उसके बाद एक तरीके से कल से कांग्रेस और बाकी जो उनके सहयोगी दल है, इंडिया के पार्टनर्स हैं, उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे हो उसकी शुरुआत दिल्ली में बैठक करके होगी और उसकी भी शुरुआत महाराष्ट्र के नेताओं से होने वाली है। महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद कांग्रेस के जो पांच नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जो सीट शेयरिंग की बातें करेंगी, उनके साथ में उनकी बैठक होने जा रही है। बड़ी बात यह है इसमें कि इस रैली में कांग्रेस के लिए पैसा इकट्ठा करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। हर सीट के पीछे एक स्कैन कोड लगाया गया है कि जिसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप डोनेशन कांग्रेस पार्टी के लिए दें। कांग्रेस की 138 फाउंडेशन डे के दिन पे इस तरीके से पार्टी को, एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी को पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फंड्स की कमी है और इलेक्शन के पहले फंड्स की एक तरीके से को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा शुरू होगी जनवरी महीने में, उसके बारे में भी इस जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग में उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये यात्रा रहेगी। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा का सफर होगा। कम से कम 5 से 6 भाषण यहां पर होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे का बिल्कुल भाषण कांग्रेस अध्यक्ष के नाते इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। तो सोचिए, सबसे पुरानी पार्टी, 138वां स्थापना दिवस और यहां फंड जुटाने के लिए किस तरह पैतरे आजमाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही, जरा समझिए। नागपुर में होने वाली रैली, कांग्रेस ने वहां जो कुर्सियां लगी हैं वहां पर पेमेंट स्कैनर लगाए हुए हैं ताकि पार्टी के लिए चंदा जुटाया जा सके। इस वक्त नागपुर में हम उस मैदान में मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। आपको बता दें कि नागपुर महाराष्ट्र का सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है। यहां पर आज कांग्रेस के सारे आला जो नेता हैं वो होंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी होंगे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारी बड़ी जोर शोर से की गई है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं और इसी जरिए आप बता सकते हैं फाउंडेशन डे के जरिए ये शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है कि आने वाले चुनाव के लिए है तैयार हम। ये नारा यहां पर दिया गया है, कई लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के यहां पर आज आने वाले हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। अब देखना यह होगा कि जो नेता यहां पर कांग्रेस के बात करते हैं उनसे क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप देखें
कांग्रेस पिछला जो तीन स्टेट्स में परफॉर्मेंस रहा है उसमें उन्हें हार मिली है, उसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स भी चाहते हैं किसी तरह से मोटिवेशन उन लोगों को मिल पाए, ग्राउंड लेवल पर एक्सेप्टेंस मिल पाए, राम मंदिर हो, महंगाई का इशू हो, अलग अलग विषय है, पर इंडिया अलायंस 2024 के लिए क्या मुद्दा लेकर लोगों के सामने जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग भी शुरू की है, पार्टी पुरानी है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों से एक तरह से जो पैसे हैं वो इकट्ठा करने शुरू किए हैं, और हर सीट के पीछे आप देखेंगे तो एक बारकोड लगाया गया है जिस बारकोड के जरिए आप ये पेमेंट कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना योगदान दे सकते हैं।